उन्नाव में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लाइज फेडरेशन के तत्वावधान में 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वृद्धि रोकने, 6 महीने समाप्त करने, एनपीएस अंशदान 14% से घटाकर 10% करने और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की वृद्धि रोकने के आदेश के विरोध में जिले के विभिन्न विभागों की सभी कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों कार्यालयों निवास स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का अनुपालन करते हुए मोमबत्ती जलाकर सरकार द्वारा कर्मचारियों के भत्तों में की गई कटौती का विरोध व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर भत्तों की कटौती का निर्णय वापस लेने पर पुनर्विचार के लिए सरकार से मांग की। मीडिया, सम्मानित मीडिया जगत एवं आप सभी सम्मानित मीडिया साथियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार। साथियों, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इप्सेफ के तत्वावधान में मजदूर दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा एवं महंगाई भत्ते की वृद्धि को रोके जाने एवं 6 भत्तों को समाप्त करने, पेंशनर के महंगाई भत्ते को रोके जाने एवं संविदा कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान को 14% से घटाकर 10% किए जाने के विरोध स्वरूप इस आदेश को वापस लेने अथवा पुनर्विचार करने हेतु सोशल डिस्टेंस मास्क का अनुपालन करते हुए जनपद के सभी विभागों के सभी कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मोमबत्ती जला करके इसका विरोध किया गया, आदेश वापस लेने हेतु विरोध दर्ज कराया गया। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर भत्ते कटौती के आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु मांग की गई। और साथियों, कोरोना महामारी में जनपद के सभी साथी, देश के पूरे सैनिक, कोरोना वॉरियर्स सब जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में भत्ते कटौती जैसा आदेश औचित्यहीन है और सरकार का पब्लिक जन कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है। सरकार को इस समय ऐसा आदेश ना करके सरकार को उत्साह वर्धन करना चाहिए कर्मचारियों का, ताकि कर्मचारी इस समय कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जनता की सेवा कर रहा है और आपातकालीन में लगा हुआ है। साथियों, इसीलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ। संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।